हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप सोच रहे होंगे मैं ये कैसा इंट्रो दे रही हूँ, बट सॉरी, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, घर में कोई पार्टी वगैरह होती है ना, तो माइंड में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, तो बस इसी वजह से तो थोड़ा सा हौच पौच हो गया था, इसलिए मुझे ये वाला ब्लॉग कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो अभी आपने देख लिया कि मैंने आयरन की, आयरन के बाद मैं मेकअप लगाने बैठ गई हूँ, बिकॉज आज आरब का बर्थडे है और ये एक बर्थडे पार्टी ब्लॉग है, तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। वाओ, इट्स रियली अ नाइस केक। तो भाई, केक की तो तारीफ मिल गई है, अभी आगे आगे देखते हैं और क्या होता है। पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो फाइनली मेरी डेकोरेशन की भी तारीफ हो गई है, और जब मेरी कोई तारीफ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं, बस दो तीन लोग रह गए हैं आने के लिए, तो उसके बाद ही हम डांस वांस स्टार्ट करेंगे। और आरब बहुत अच्छा आज एक डांस परफॉर्मेंस करेगा वामा के साथ में। क्या हुआ आरब? सॉरी गाइज, कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, इसलिए हम मैंने आगे जो सॉन्ग है कंटिन्यू नहीं किया, अदरवाइज मैं लगा देती। और इसी सॉन्ग पे इन लोगों ने डांस परफॉर्मेंस दी थी, काफ़ी अच्छा किया था। आओ सब लोग, चलिए आओ। ओह माय गॉड, केक ऑफ। हां, मैं फूंक ही मैं। अब हम नहीं मारते, यार तुम्हें ही मारना होगा। जोर से। ये तो यहाँ पे आरब की केक कटिंग सेरेमनी हो चुकी है, एक दूसरे को केक वगैरह खिलाया जाएगा और सभी लोग केक खाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें बाहर खाने के लिए कहाँ जाना है, तो जहाँ भी जाएंगे और वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि हम कहाँ जाएंगे, तो अभी डिसाइड हो रहा है। मास्क ले लेना भाई, मास्क। थिंक मुझे लगता है इन लोगों ने मिलके कुछ डिसाइड कर लिया है, फटाफट हम लोग मास्क और कीज वगैरह लेकर निकलते हैं। हाँ, तो नीचे तो मिलेंगे ना सारे, आराम से आराम आराम से। सही है, मैचिंग मस्त लग रही है। हाँ, एक में नहीं आ पाएंगे, दो दब प्रेस कर दो। तो पहले छोटी लिफ्ट आ गई थी जिसमें हम सब लोग नहीं आ सकते थे, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं सेकेंड लिफ्ट का, हम उसमें जाएंगे। तो ये वाली दीदी जो है, ये है मेरी जस्ट पड़ोस वाली दीदी, मतलब बिल्कुल जस्ट पड़ोस वाली, और ये वाली जो दीदी है मेरी जस्ट सामने वाली दीदी। हेलो। और ये वाली जो दीदी है, इनसे सब लोग मिल चुके हैं, अनु दीदी, और इन लोगों का साथ में बना हुआ है, और हमारा और इनका साथ में बना हुआ है। और फिर कभी मैं फ्लोर विजिट कराऊंगी एक दिन इकट्ठा। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ डिसाइड हुआ था? तो अभी हम लोग सुखदेव ढाबा के लिए निकल रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे की गाड़ियों में थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि आज मीनू दीदी की कार है वो खराब है। मैं
फाइनली हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं और काफ़ी मस्ती की कार में बच्चों ने। आरव और वरोनिका दोनों साथ में ही थे, दोनों ने काफ़ी अच्छे अच्छे भजन भी सुनाए, टाइम पास हमारा बड़ा अच्छा हुआ। और ये रहा सुखदेव ढाबा, यहाँ हम आ चुके हैं। थोड़ा सा आउटर में पड़ता है रेवाड़ी से, बट बहुत अच्छा है। यहाँ का जो फूड है वो काफ़ी डिलीशियस है और इनकी सर्विस वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो हम लोग थोड़ा सा टाइम बाद आए हैं, हम पहले जब आए थे तो हम विनीता दी की बेटी के बर्थडे में आए थे, अभी हम सेकेंड टाइम फिर यहाँ आए हैं, तो एंजॉय करेंगे। तो बच्चों ने झूला झूल लिया है फाइनली, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। काफ़ी ठंड है इसलिए अंदर ही बैठे हैं। सेकेंड टाइम आए, फर्स्ट टाइम उनके साथ आए थे, विनीता दीदी के साथ में। टिया का बर्थडे था। तो बच्चे एकदम फुल मस्ती मूड में हैं और बैठ नहीं रहे थे, बस रनिंग करने में लगे हुए थे। ये देखिए इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है जो कि हरियाणा का कल्चर शो कर रही हैं। बैठो ना, इनका तो फिक्स। पता नहीं वरोनिका और आरव को ऑलवेज एक ही आइटम रहता है बाहर जाने के बाद, वो ऑलवेज मतलब पाव भाजी ही ऑर्डर करते हैं। तो ये देखिए अभी जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा है तब तक ये लोग काफ़ी फ़ोटो सेशन वेशन में लगे हुए थे। काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया, काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी वहाँ पे। तो सूप आ गया है, अभी पहले हम लोग सूप लेंगे, उसके बाद में डिनर ऑर्डर किया था। मज़ा आ रहा है आपको? मुँह में पानी आ रहा है। तो शुरू कर दो, स्टार्ट करो खाना। अच्छा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। फूक के खा लो, थोड़ा फूक के खा लो। तो फाइनली जो भी हमने ऑर्डर किया था वो सभी चीज़ें आ गई हैं और हम लोग डिनर कर रहे हैं। इसके बाद ये काम करने के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे और बिल वगैरह पे करने के बाद भी हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर रहते हैं और बातें करते हैं, झूला झूलते हैं, सेल्फी लेते हैं। इसके बिना तो हमारा मतलब काम ही अधूरा है। तो फाइनली हम सभी लोगों ने माउथ फ्रेशनर्स ले लिए हैं और एक्स्ट्रा ले लिए हैं, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है सौफ वगैरह। तो देखिए सारे ही बच्चे मौज मस्ती में लगे हुए हैं, कोई झूला झूल रहा है, कोई सेल्फीज़ ले रहा है, कोई फ़ोटोज़ ले रहा है। और ये मीनू दीदी का छोटा बेटा है शारांस, और ये भारती दीदी की बड़ी बेटी थी दाम्या, एंड ये यश है। और ये देखिए फोटो सेशन चल रहा है। लेडीज़ का ना मन नहीं भरता है फोटो से, और जेंट्स बेचारे वेट करे पड़े हैं जल्दी। विनीता दीदी ये एक दूसरे का। चलो भाई चलो, आओ आरव मामा। तो आपने देखा बच्चे तो बच्चे, यहाँ तो बड़े भी खूब झूला झूलने में लगे हैं। और हम लोगों को किसी का जल्दी यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था, कोई निकलना ही नहीं चाह रहा था। तो फाइनली फिर हो गया था टाइम, तो हम लोग यहाँ से निकले और घर के लिए अपने अभी फटाफट हम लोग घर पहुँचेंगे। कहना अपने बर्थडे में तो सभी को बहुत मजा आता है, लेकिन हमें तो आपके बर्थडे में बहुत मजा तो गाइज़ आप लोगों को पता है मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, मेरी यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली यूपी में रहती है। तो ये मेरे जो नेबर्स हैं फ़िलहाल, हम ही सब एक दूसरे की फैमिली हैं और सभी बहुत अच्छे हैं एक दूसरे के लिए। एंड हम लोग जब भी कभी किसी की पार्टी होती है, कुछ भी कोई भी छोटा सा भी कोई ओकेजन होता है, तो सेलिब्रेशन के लिए छोड़ते नहीं है और सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को और बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर लेते हैं इसी बहाने। तो बस अभी हमारी सोसाइटी जस्ट आने वाली है और ये देखिए मेरी सोसाइटी यहाँ से स्टार्ट है। एंड एंटर करते ही मंदिर है, फाउंटेन है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मंदिर। ये देखिए कितना कलरफुल, कितना प्यारा। तो पहुँच गए हम लोग। कैसा लगा रहा है आज आपको बताओ? बहुत अच्छा लगा मम्मी। ये वाली दीदी हमारी ना मिलने को रह गई थी, बाद बाकी सबको मैंने लिफ्ट में इंट्रोड्यूस करा दिया था। ये वाली जो दीदी है ये ऊपर रहती है, मतलब 14 फ्लोर पे।
और ये टीचर है ना? हाँ टीचर है, टीचर है साइंस है। हाँ बायो बायो बायो। अच्छा बायो बायो फ्लोर में सारे बड़े टैलेंटेड लोग हैं। कभी भी हम लोग चाय पीने इकट्ठे हो जाते हैं और चाय पीने और पता नहीं क्या क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। तो ये पांचों फैमिली मतलब कुल मिला के हम लोग एक फैमिली है। एक फैमिली है और ये हमारे में सब में से ज्यादा एक्टिव है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे फ्लोर पे हम तो ये कहते हैं सारा टैलेंट भरा हुआ है, भर भर के लोगों। हाँ काफी मजा आया हमें, मजे आए सबको, मजे आए मजे। चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोग इकट्ठे हुए और सब लोग गए। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे नहीं बस कितने वो बन रहा है ना। अच्छा ओके। तो विनीता दीदी आरव को ये बता रही हैं कि अभी उसे एक गिफ्ट और मिलने वाला है और वो काफ़ी खुश है। मीनू दीदी देखिए कैसे मस्ती करती हैं आरव के साथ में कुछ इस तरीके से। मजा आ गया आरव, ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, वेलकम। तो गाइज पार्टी इज़ ओवर, हम लोग थक गए हैं काफ़ी, चेंज वेंज करेंगे और सो जाएंगे। ये मेरे बर्थडे डेकोरेशन का अगर ब्लॉग आपने चेक नहीं किया है वो ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा, खुद से की है मैंने। एंड आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ओके टिल देन, बाय बाय।